जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, द डिजिट एट 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इज, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि 7 फैक्टोरियल जो दे रखा है उसकी वैल्यू, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 100 प्लेस पे क्या वैल्यू होगा। 100 प्लेस पे कैसे, मतलब क्या, जैसे एक नंबर दे रखा है मेरे पास 2, 4 और 8, इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको 10 प्लेस बोलते हैं और 100 प्लेस बोलते हैं। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, तो इस फैक्टोरियल के बारे में एक बार समझ लेते हैं। फैक्टोरियल क्या कहता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहला नंबर 1, उसके बाद का नंबर 2, उसके बाद का नंबर 3। तो मैं इसको अगर मैं इन तीनों को ऐसे ना लिख कर अगर 3 और मैं फैक्टोरियल लिख दूँ तो इसका मतलब है कि ये 1, 2, 3, यानी कि 3 से पीछे और पीछे की, यानी एक कम करके 1 तक के मल्टीपल है, यानी 3, 2, 1 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऐसे क्या करेंगे, उसने कहा है कि 7 फैक्टोरियल के जब आप खोलेंगे तो आपके पास में जो 100 प्लेस पे नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा। तो जरा देखिए, 17 को अगर हम खोलेंगे तो 17 का क्या आएगा, 17, 16, 15। तो यहाँ पे 15 पे एक मुझे मिलेगा 15, 15 के बाद मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा, इसमें 10 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर मेरे को आपको इसमें 3, 5 मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 3, 5 मिल रहे हैं, तो 100 प्लेस पे जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा मेरा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। क्योंकि हर 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10, 10 बनेगा, और अगर किसी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें 3 0 आ रहे हैं तो वो लास्ट के यूनिट नंबर 10 टाइम्स में 100 नंबर तीनों 0 0 होंगे। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इस फैक्टोरियल को खोलकर। अगर मैं इसे खोलूँगा 17 को, तो 17 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूँगा तो मैं इसे लिखता हूँ 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 × 1। अब जरा देखिए इसके अंदर में, यहां पर देखिए 15 आ रहा है, यहां पर ऑलरेडी एक 0 मिल रहा है और यहां पर एक 5 मिल रहा है, तो इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, यानी कि 1 0 तो मेरे को ये मिल गया, यहाँ पर 1 0 मेरे को यहाँ मिल गया, और 15 को मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 1 0 मल्टीप्लाई, जब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में तो मेरे 3 0 आने आने, तो ये मेरे पास क्या होगा आपका यूनिट नंबर, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। तो एग्जामिनर ने मुझसे यही पूछा कि 100 प्लेस पे क्या नंबर होगा, तो वो 0 होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।